मेरा मैनहट्टन का भी है, मैंगो का भी है और हम दोनों का साथ में भी कई मैनहट्टन मैंगो के एक्सपीरियंसेस हैं, तो पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, मैंने एक्चुअली अगर आपने सुना था तो लॉन्च के दौरान मैंने उनसे पूछा था क्या ये आप स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वक्त हम लोग इस किताब की स्क्रीन प्ले पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और मेरी नज़र में ये किताब बिल्कुल एप्ट है एक अर्बन अपवर्डली मोबाइल तीन दोस्तों की कहानी जो एक फिल्म में कन्वर्ट की जा सकती है। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। कोई मैं कहूँगा कि सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप में सक्षम है, इसलिए कोई एक लाइन या एक कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कहेंगे उसके बारे में निर्देशक, ये स्टोरी चल रही है उनकी। हाँ, और ये और सलीम साहब के बताइए ना प्लीज, यू हैव टू से इंपॉर्टेंट। ओके, ऑन अ सीरियस नोट, हाँ, एक फिल्म पे काम चल रहा है, स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है, और ये बहुत ही कोइंसिडेंटल है कि सलीम भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, क्योंकि वो उस फिल्म का जो म्यूज़िक है मैं चाहता हूँ कि सलीम साहब करें। सलीम बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, सलीम और सुलेमान, जो अपने आप में फिल्म इंडस्ट्री में लेजेंड है, लेकिन मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं जाके इनके हाथ पर जोड़ के कह सकूँ कि जल्दी म्यूज़िक करिए। नहीं, फिल्म का नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया, अभी तो स्क्रिप्टिंग चल रही है, तो आई थिंक एक डेढ़ महीने में पहला ड्राफ्ट आने वाला है, तो उसके बाद ही नाम डिसाइड होगा। देखिए फिलहाल हम किताब के, यू आर राइट, आई टोल्ड यू, यू आर राइट, आई टोल्ड यू। नमस्कार, पसीना आ गया। हाँ, वेल बीइंग एन एक्टर इज सेकेंडरी, बट एक हिंदुस्तान का सिटीजन होने के नाते ऑब्वियसली बहुत सारी जिसे कहते हैं कि उम्मीदें हैं नई गवर्नमेंट से, नए प्राइम मिनिस्टर से, उनके नए कैबिनेट से और नए बजट से। हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह पिछले कुछ हफ्तों से प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान। हमें इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कह रहे यार नए गवर्नमेंट के आते ही प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गया, ये गलत होगा, ये एक बहुत लंबा प्लान है, एक हर गवर्नमेंट को वक्त देना चाहिए बदलाव लाने के लिए। बट आई एम वेरी होपफुल कि बीजेपी की जो सरकार आई है, मोदी साहब की जो सरकार आई है, ये कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर करेगी। अब ये कितना वक्त लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा। जी नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये कोई मैं छुपा नहीं रहा हूं आप लोगों से, मैंने अभी तक इस फिल्म के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं किया। पहले स्क्रिप्ट जब कंप्लीट होगी, जब एटलीस्ट शूटिंग से एक ड्राफ्ट पहले जो स्क्रिप्ट होगी, उसके बाद कास्टिंग पे काम किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी अर्बन स्क्रिप्ट, इट्स अ फिल्म अबाउट टुडे, इट्स अ फिल्म अबाउट यूथ, ऑफ कोर्स इट्स गॉट द यूजुअल डोजेस ऑफ रोमांस एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना आई डोंट थिंक सही होगा। तो जी, यू नो इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, आई मस्ट से समथिंग, नॉट बिकॉज ही इज माई ओल्डर ब्रदर, बट आई थिंक रोनित हैज़ बिकम such a fantastic actor over the last decade. मैं हमेशा पहले कहता था कि रोनित तुम डांस अच्छा करते हो लेकिन एक्टिंग ठीक है, मेरे को करने दो। अब मैं ये कहता हूँ कि बाप रे बाप तुम क्या एक्टिंग करते हो, चाहे वो उड़ान से शुरुआत की हो, चाहे वो अगली में उन्होंने काम किया हो, चाहे कमर्शियल फिल्म बॉस में उन्होंने किया हो, या फिर उड़ान में उनके कुछ टू स्टेट्स में उनके कुछ पाँच या छः सीन्स थे, लेकिन जो सक्षमता से, जिस स्थिरता से उन्होंने काम किया है, जो डेप्थ उनके परफॉर्मेंस में आया, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा स्क्रिप्ट आए, आप लोगों के पास भी कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो तो मेरे पास ज़रूर आइए, मैं रोनित को ज़रूर डायरेक्ट करना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।